हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से जॉब नोटिफिकेशन लाया है और इसमें इस जॉब सब असम स्टेट के लिए है। इसमें कौन सा पोस्ट निकला है, वो DME की वैकेंसी निकला हुआ है, मतलब डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, इसमें आपका वैकेंसी निकला हुआ है। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से कर लीजिए। इसमें कौन सा पोस्ट दिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, सब मैं आप लोगों को पूरा फुल नोटिफिकेशन करके बताता है। अकाउंटेंट के लिए आपको BCOM विथ 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो पे स्केल होगा वो आपका 14,000 से 49,000 तक आपका हो सकते हैं बाद में पेमेंट। आपको इसमें टोटल पोस्ट 2 है, यूर कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी के लिए 0, एम और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखा है। अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए आपको SSLC पास मांगा है और साथ में 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी 14,000 से 49,000 तक आपका पे स्केल रखा है। इसमें टोटल पोस्ट 4 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 0, MOBC के लिए 1 रखा है। केसर पोस्ट के लिए BCOM मांगा है क्वालिफिकेशन, साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, और इसमें 14,000 से 49,000 तक पे स्केल रखा है। इसमें टोटल पोस्ट 1 है, यूआर कैंडिडेट के लिए ही 1 रखा है पोस्ट। और LD असिस्टेंट के लिए आपको 12 पास मांगा है, साथ में 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स मांगा है, इसमें भी 14,000 से 49,000 तक आपका पे स्केल रखा है। इसमें टोटल पोस्ट 16 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 60 है, ओबीसी के लिए 0 है, MOBC के लिए 4 है, SC के लिए 1 है, STP के लिए 2 है, STH के लिए 1 है, EWS के लिए 1 रखा है। स्टेनोग्राफर के लिए आपको SSLC पास मांगा है, साथ में 1 ईयर का इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको पता होना सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। इसमें 14,000 से 49,000 तक आपका पे स्केल रखा है। इसमें टोटल पोस्ट 2 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी के लिए 0, MOBC के लिए 1 रखा है। स्टाफ नर्स के लिए BSc मांगा है, नर्सिंग GNN कोर्स पास आपका होना चाहिए इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 14,000 से 49,000 तक आपका पे स्केल रखा है। इसमें टोटल पोस्ट 200 पास रखा है, यूआर कैंडिडेट के लिए 85, ओबीसी के लिए 0, MOBC के लिए 55, SC के लिए 14, STP के लिए 21, STH के लिए 10, EWS के लिए 20 रखा है। ड्राइवर के लिए SS 12 पास मांगा है, साथ में वैलिड आपका मोटर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। इसमें पे स्केल 14,000 से 49,000 तक रखा है। टोटल पोस्ट 6 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 3, ओबीसी के लिए 0, MOBC के लिए 2, STP के लिए 1 रखा है। स्टोर कीपर काम, क्लर्क काम, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हायर सेकेंडरी पास मांगा है, साथ में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मांगा है। इसमें टोटल पे स्केल आपका 14,000 से 49,000 तक रखा है। 25 टोटल पोस्ट, यूआर कैंडिडेट के लिए 11, ओबीसी के लिए 0, MOBC के लिए 6, SC के लिए 2, STP के लिए 3, STH के लिए 1, EWS के लिए 2। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए आपको SSLC पास मांगा है, साथ में 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है। 14,000 से 49,000 तक आपका परमानेंट पे स्केल है। टोटल पोस्ट 60 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 4, ओबीसी के लिए 0, MOBC के लिए 2, STP के लिए 1। रिकॉर्ड कीपर काम, ऑपरेटर के लिए आपको 12 पास मांगा है, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। इसमें टोटल पोस्ट वो पे स्केल आपको 14,000 से 49,000 तक रखा है। 2 साल का दो आपका पोस्ट है टोटल, यूआर कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी के लिए 0, MOBC के लिए 1, स्टेशन के लिए आपको MSc मांगा है यूनिवर्सिटी का। और इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए, हैविंग बायोस्टैटिस्टिकल एंड डाटा एनालिसिस एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसमें आपको पे स्केल 14,000 से 49,000 तक रखा है। इसमें टोटल पोस्ट 1 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 1 है। कोडिंग क्लर्क के लिए SSLC पास मांगा है, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। 14,000 से 49,000 तक आपका पे स्केल रखा है। इसमें टोटल पोस्ट 4 है, यूआर कैंडिडेट के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 0 है, MOBC के लिए 1 है,
लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको हायर सेकेंडरी पास मांगा है, साथ में एक साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जिसमें 14,000 से 49,000 तक पे स्केल रखा है। चार टोटल पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, तीन एमओसी के लिए नील, एमओसी के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर डीटीपी ऑपरेटर के लिए हायर सेकेंडरी पास मांगा है, साथ में एक साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है आपको। इसमें 14,000 से 49,000 तक आपका पे स्केल रखा है, इसमें टोटल पोस्ट एक है यूआर कैंडिडेट के लिए। रिसेप्शन काम क्लर्क के लिए आपको एसएसएलसी पास होना चाहिए, एक साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, 14,000 से 49,000 तक आपको पे स्केल रखा है। टोटल पोस्ट दो है यूआर कैंडिडेट के लिए एक, ओबीसी के लिए नील, एमओबीसी के लिए एक रखा है। सो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, जल्दी से अप्लाई होना चालू हुआ है। और इसमें जो एज लिमिट रखा है वो 18 से 44 ईयर्स तक, जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इतना साल का एस है, 44 साल का एस है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को भी, साथ में बेल के आइकन भी दबाना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा।